सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने रॉड्स लॉ का केस वन देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे अगर आप कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में डालते तो उससे क्या होता है, वेपर प्रेशर घट जाता है, और इस वजह से वहाँ से हमने फॉर्मुला डिराइव किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, आज हम उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे 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 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट, 30 ग्राम ऑफ volatile solute, 30 ग्राम ऑफ volatile solute is dissolved in is dissolved in 360 ग्राम ऑफ water, is dissolved in 360 ग्राम ऑफ water at 100 degree celsius, at 100 degree celsius। ठीक है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 570 mm ऑफ Hg, 570 mm ऑफ Hg, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये कि आपको क्या बोल रहा है भाई, कोई 130 ग्राम मोलर वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको डिसॉल्व किया 360 ग्राम ऑफ वाटर में एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना है, तो कैलकुलेट मोलर मास। अब बच्चा यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन क्या कर रहा है, सर आपने तो यहाँ पे कुछ प्योर सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर दिया ही नहीं, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर पता ही नहीं मुझे कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कहते, तो सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि मुझे पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब उसके एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब ये होगा कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आपको कुछ नहीं भी दिया हुआ तो आपको ये एज्यूम करके, एज्यूम क्या एक्चुअली होता ही है वही, एज्यूम तो करने की कोई बात ही नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, 180 एम, क्योंकि यहाँ पे 70 mm ऑफ Hg ये प्रेशर के यूनिट, तो आपको भी कितना लेके चलना है, mm ऑफ Hg, तो P नॉट का जो वैल्यू होगा वो 760 mm ऑफ Hg होगा, थोड़ा बात समझना, 760 क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट पे है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर हमेशा एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो 760 और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 570, तो हम निकाल सकते हैं 760 माइनस 570, उसने क्या बोला है, मोलर मास निकालना है ना, तो डिवाइडेड बाय 570 इज इक्वल टू Nb बाय Na, मतलब 30 बाय Mb इंटू 18 बाय 180 है, कितना दिया हुआ, 360 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 360 ग्राम। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एमबी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और इन पे बेस्ड कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉस्ट बाय adding 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज जिसका मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है 342, ठीक है, इंटू 500 इंटू 500 इंटू 500 ग्राम ऑफ वाटर, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mm Hg। कुछ क्वेश्चन मैं अभी 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे लेवल के, जो सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे है। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
व्हाट मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट? यूरिया. कौन सा सॉल्यूट दिया हुआ आपको? यूरिया है. यूरिया नीड्स टू बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर in order to decrease vapor pressure by 25%, what will be molality of solution? What will be the molality of the solution? Question number 3. The vapor pressure of dilute aqueous solution at 40 degree Celsius, at 40 degree Celsius and 100 degree Celsius, if the solution is made by mixing 3.42 gram of sugar 3.242 gram of sugar and 180 gram of H2O. If delta H vaporization of H2O, delta H vaporization of H2O take note, the pressure lowering. Delta H vaporization of H2O is 540 kilocalorie per mole. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4. The vapor pressure of dilute aqueous solution, glucose is 750 mm of Hg at 373 Kelvin. Calculate molality and mole fraction of solute. ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है बेटा मेरा. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद हम फिर केस 2 में चलेंगे. तो मैं एक एक करके, मैं आपको देखो पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको सिर्फ क्या करूंगा, मैं आपको हिंट दूंगा, सॉल्व करके आपको मुझे आंसर भेजना पड़ेगा अभी होने के बाद. बोल कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉज बाय 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज. ऐड किया, मतलब Nb कितना है, 50/342 हो जाएगा, और Na कितना हो जाएगा आपका, 500 ग्राम बाय 80. तो उसने क्या, अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करोगे? अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है पी नॉट एन माइनस पी ए बाई पी ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए, तो मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको तभी बोले, ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आपको मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना हो, या वेट ऑफ द सॉल्यूट निकालना हो, या वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकालना, तब के लिए फॉर्मूला सही. बट अगर आपको सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है, या वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालने बोला है, तब आपको यही फॉर्मूला यूज करना, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी. ठीक है, अब उसने पूछा क्या मेरे से, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब इसकी वैल्यू उसने निकालने बोली है, मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए यही वैल्यू आपको निकालनी है,
इंटू पी नॉट है मतलब 23.8 इंटू एक्स भी कितना हो जाएगा 50/342 डिवाइडेड बाय 50/342 प्लस 500/18। तो ये आप मुझे सॉल्व करके आप मुझे भेजोगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आंसर टू की बात करूँ, सॉल्यूशन टू की बात करूँ, सॉल्यूशन टू क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन टू क्या बोलता है, द मास ऑफ व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया नीडेड टू बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज वेपर प्रेशर बाय 20%। कहने का मतलब है भाई यूरिया का मैं कितना मास लू 100 ग्राम में डिसॉल्व करने पर ताकि वेपर प्रेशर 25% से डिक्रीज हो। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कराया था, बट ठीक है। तो जब कुछ ना दिया तो पी नॉट है 100 मानोगे और पी ए कितना मानोगे 25% घट गया मतलब 75। और सब पूछा क्या मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब अब ये फॉर्मूला यूज होगा 100 - 75/75 = NbWb/60 × 18 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे आएगा। तो अब आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो ठीक है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन से पहले मैं आपको चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा शॉर्ट है। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज इज 750 mmHg एट 373 केल्विन, कैलकुलेट मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो टेम्परेचर 373 दिया हुआ है और वेपर प्रेशर ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसने 750 दिया है, वाटर का अभी भी उसने नहीं दिया लेकिन टेम्परेचर तो 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस दिया। तो सेम इस ये पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, मतलब अगेन आप यहाँ पे क्या लोगे, पी नॉट ए को कितना लोगे 760 लोगे और पी ए को आप कितना लोगे 750 लोगे। तो आप लिखा सकते हो 760 - 750 डिवाइडेड बाय 760, ये किसके बराबर होगा, एक्स बी के बराबर। तो ये वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो लेट इट बी, एक्स बी की वैल्यू आती है अल्फा, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने दिया था एक्स बी बाय एक्स ए, एक्स ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - xB लिख सकता हूँ इंटू 1000/18। तो एक बार अब ये आ जाए तो आप ये भी निकाल सकते हो। तो देख रहे हो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं आपको, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। लास्ट तीसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो बोल क्या रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन एट 40 °C एंड 100 °C, ठीक है। इफ द सॉल्यूशन इज मेड बाय 3.42, ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन एट 40 °C एंड 100 °C। मतलब उसने सेम दो कंटेनर लिया, ऐसे पकड़ो कि दो कंटेनर लिया है, थ्री की बात करूं मैं तो दो कंटेनर लिया, एक को 40 °C पे मेंटेन किया और एक को उसने 100 °C पे मेंटेन किया, बाकी सब चीजें सेम है, मतलब उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया और उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, बस आपको इनका क्या करना है पीए दोनों केसेस में निकालना है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं एट 100 °C की बात करूं, ठीक है, 100 °C में मुझे पता होता है पी नॉट ए की वैल्यू 760 होती है और पी ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप एक काम कर सकता हूं मैं 760 - PA डिवाइडेड बाय 760 और इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स बी के बराबर हो जाएगा। अब मैं बात करूं यहाँ पे, पहले आप निकाल लो, चलो यहाँ से मैं एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.42 डिवाइडेड बाय 342 सुक्रोज का मोल्स, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा और वाटर का मोल्स कितना हो जाएगा 180/18 तो दैट्स नथिंग बट 10। तो एक्स बी की वैल्यू हो जाएगी 0.01/10 + 0.01। तो क्या मैं 0.01 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकता हूँ 10 के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा 10^-3, एक्स बी की वैल्यू कितनी आ रही 10^-3, तो क्या यहाँ से पी ए नहीं आ जाएगा। मतलब पहला पार्ट तो मेरा खत्म हो गया भाई, 100 °C पे मुझे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एट 40 °C, 40 °C से बेटा पी नॉट ए की वैल्यू कितनी होगी वो तो मैंने मुझे पता ही नहीं है। अब 760 मत बोल देना भैया, वो 100 °C पे होता है, 100 °C पे वाटर का वेपर प्रेशर 760 होता है, बट 40 °C पे क्या होगा। तो अब यहाँ पे भैया ये लफड़ा कि ये निकाले तो कैसे निकाले, तो आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला दिया था एलन P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाय आर 1/T1 - 1/T2 ये दिया था। तो बस आपको ये पता है 100 वाले का पता है, 40 का आपको निकालना है, काम खत्म, बस इतना ही करना था आपको,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल एन पी एट 40 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय पी एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा एच। आपको कितना ऑब्वियस मतलब जब ये इन्फॉर्मेशन दिया है इसका मतलब आपको निकालना ही पड़ेगा, बराबर। अब पूरे सॉल्यूशन में याद रखना, अगर एक टेम्परेचर का वेपर प्रेशर आपको सॉल्वेंट का दिया हुआ और दूसरे टेम्परेचर का वेपर प्रेशर आपको निकालने बोलेगा तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, पहली बात। दूसरी बात क्या, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए लगता है बेटा। कई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से पीए निकाल के और यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप पीए एट 100 डिग्री पुट करो या पीए एट 40 डिग्री निकालोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेटा फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए अप्लीकेबल होता है, ये सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो आपको इसी मेथड से जाना पड़ेगा। 100 और डेल्टा एच कितना दिया हुआ, 530 इंटू 10 का पावर 3 किलो कैलोरी है डिवाइडेड बाय 2, 1 बाय 370 क्या 313 कितना होता है, 273 प्लस 40 सात तो चल 11 के बस 313 माइनस 373, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अब मेरा क्या आ जाएगा, पी नॉट एट 40, पी नॉट एट 40 मान लो x आया तो अगेन x माइनस पी ए बाय x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xb की वैल्यू मुझे पता है ये कितनी है 10^-3। तो अब इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। प्लीज आप मुझे इसका सॉल्व करने के बाद आप मुझे डाटा भेजोगे एनी हाउ, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक, यहाँ पे केस वन हम खत्म करते हैं, अब हम बढ़ते हैं केस टू की तरफ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं केस टू की तरफ, ठीक है। केस टू मेरा क्या, अब तक हमने क्या माना था कि अब तक हमने ये मान के चला था कि भाई आज जब भी आप किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो आप किस कोई सॉल्यूट तो वो सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। लेकिन अब जो हम केस टू की बात करने चाह रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस टू, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। वोलाटाइल सॉल्यूट का आपको वेपर प्रेशर बताना है मुझे, ठीक है, एक मिनट जस्ट। ठीक है, मुझे पता है सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे, ठीक है। पहला पार्ट होगा सॉल्यूट, जिसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे। दूसरा पार्ट क्या होगा, सॉल्वेंट, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। सॉल्यूट को बी से डिनोट करेंगे, सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूट बी से डिनोट करेंगे तो अगर मैं बात करूँ नेचर की, तो नेचर की बात करूँ तो ये भी वोलाटाइल नेचर का है और ये भी वोलाटाइल नेचर का है। सॉरी, मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो फिजिकल स्टेट में ये भी लिक्विड नेचर का होगा, ये भी लिक्विड होगा, ओके। ये उस नेचर हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया। अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो इसके वेपर प्रेशर को पी नॉट बी से डिनोट करेंगे और इसके वेपर प्रेशर को पी नॉट ए। याद करो केस वन में क्या होता था, पी नॉट भी मेरा जीरो हो जाता था, बट यहाँ जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ हम दोनों लिक्विड लेके चल रहे हैं, ठीक है।
मोल्स क्या होगा? ठीक है, डब्ल्यू बी बाई एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एम ए। ठीक है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बी मतलब एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, और एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा, एन ए बाय एन ए प्लस। ठीक है, मुझे पता है एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, वन के बराबर। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी तो जो जो हमने थी हमने लिख डाली यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या, अगर आपको मैंने बोला भाई दो लिक्विड को मिला रहे हो, दोनों वोलाटाइल नेचर का है, ठीक है, दोनों क्या है, वोलाटाइल नेचर का है, तो अब आपको बताना है वेपर प्रेशर का स्ट्रक्चर। तो केस वन में क्या होता था कि जो भाई जो भी वेपर प्रेशर होता था वो किसके वजह से होता था, सिर्फ ए के वजह से, तो इसलिए याद करो हमने पी ए लिखा था, वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन क्या लगा था, पी ए, मतलब जो भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन था वो सिर्फ ए के वजह से था। बट क्या यहाँ पे हम पी ए लिख सकते, नहीं, क्योंकि दोनों वोलाटाइल है बेटा, दोनों का रोल है, वेपर प्रेशर दोनों की वजह से होगा, ए के वजह से भी होगा बी के वजह से। आओ चलो डिटेल में देखते हैं, ए और बी दोनों की वजह से होगा और कैसे होगा, देखो इधर मान लो प्योर लिक्विड ए है ये, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि सरफेस पे अगर ए है, प्योर सिर्फ लिक्विड ए है, तो सरफेस पे सिर्फ ए के मॉलिक्यूल होंगे, और कुछ थोड़ी देर बाद मैं मानता हूँ कि ए के वेपर भी बन जाएंगे, थोड़ी देर के बाद ए के वेपर बन जाएंगे, इसका वेपर प्रेशर हम डिनोट करते हैं पी नॉट एस है। मान लो अगर मेरा प्योर लिक्विड बी ले रहा हूँ मैं, तो बी पे अब इस कंटेनर में सिर्फ आप बी ले रहे हो, तो सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल होंगे, सिर्फ बी के मॉलिक्यूल होंगे, और वेपर भी किसका बनेगा, सिर्फ बी का बनेगा। ठीक है, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ऑब्वियस बात है जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा और वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, तो इसके वेपर प्रेशर को हम पी नॉट बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, पी नॉट बी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, भाई आपका जो ए है वो ज्यादा वोलाटाइल है बी से, बी भी हो सकता है ए से, क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं बेटा, दुनिया में ऐसा कोई लिक्विड बना ही नहीं है जिनके वोलेटिलिटी नेचर क्या होती है सेम, कोई ना कोई दो, कोई किसी ना किसी लिक्विड का, हर लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, अब सब चीज़ एक से इधर से लेट कर दो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये होता है भाई जब जिसका वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब वेपर प्रेशर पी नॉट बी या पी नॉट ए, जब उनके एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो हम क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और दुनिया में हर लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसी भी दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है। क्यों नहीं सेम होता है, अगर जैसे आपको मैंने आपको बोला था कि आप अगर सॉलिड एज अ सॉल्यूट किसी लिक्विड एज अ सॉल्वेंट में आप मिक्स करोगे तो आप उनको अलग नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिकली कभी भी आप वो दोनों वो सॉल्यूशन से आप अलग नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी दो लिक्विड को मिक्स करते हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करते हैं ये हम आगे देखेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, हमारे सिलेबस में भी वो पढ़ना भी है, बट इतना याद रखियो वो तभी अलग हो सकता है अगर जब तक दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में भले थोड़ा सा डिफरेंस हो, ज़्यादा डिफरेंस हो, बट डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, दोनों अलग हो सकते हैं। तो दुनिया में हर लिक्विड का अपना वोलेटिलिटी नेचर होता है, और किसी का कम या किसी का ज़्यादा, बट सेम कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वही है भाई, दो लिक्विड ले रहे हो तो दोनों का वोलाटाइल नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे शहद और पानी को जब आप मिक्स करते हो तो एक सॉल्यूशन बनता है। अब आप ये बोल सकते हो पानी के उड़ने की क्षमता ज़्यादा रहती है, पानी वेपराइज कर, आप धूप में रख दो पानी अपना वेपर बने, क्या शहद को आप धूप में रखोगे क्या वेपर बनेगा, हो सकता थोड़ा बहुत बन भी गया हो, लेकिन पानी जितना तो वोलाटाइल नेचर का नहीं है ना। या पानी और पेट्रोल को मिक्स करो तो ऑब्वियस पेट्रोल उससे भी ज़्यादा वोलाटाइल नेचर का, पानी से भी ज़्यादा वोलाटाइल नेचर का होता है। तो दोनों का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट जितना डिफरेंस रहेगा उतना जल्दी आप उनको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है जो आगे आप मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ए जो है मेरा वोलाटाइल ज़्यादा है बी से। ठीक है, आपने क्या किया बेटा, इन दोनों को मिक्स किया, तो अब आपके पास क्या बन रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा है, क्या बन रहा है, सॉल्यूशन ए और बी का। अब क्या होगा, अब सरफेस पे ए भी होगा बी भी होगा, ए भी होगा बी भी होगा, ए भी होगा बी भी होगा, ए होगा और बी होगा। हो सकता है ए की उड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा है,
इसलिए मैं अपर एरो दे रहा हूँ, इसका छोटा एरो दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा कम उड़ेगा। ये क्या होगा, कम, मतलब दोनों के वेपर भी बनेंगे ए और बी के, ए और बी के दोनों के वेपर ऊपर बनेंगे, बट जिसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियस से बात है वेपर फेज में उसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा उड़ रहा है, ये थोड़ा कम उड़ रहा है। कि भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए, अगर ए वोलेटाइल ज़्यादा है तो ये हो सकता है कि ए 100 में से 60 जो है वो ए है और 100 में से 40 सिर्फ बी है। क्यों क्यों? क्योंकि ए ज़्यादा वोलेटाइल नेचर है तो उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे। आई बात समझ में सबको? तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है ये बात। अब यहाँ पे जो होगा इसको हम ना PA बोलेंगे ना हम PB बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये दोनों की वजह से हो रहा है। ए का भी, अब ए में ए का भी रोल है इस वेपर प्रेशर, वेपर में, और बी का भी रोल है। आई बात समझ में? अब बट एक बात और, ये जो पी का वैल्यू होगा, ये जो पी का वैल्यू होगा वो P0B से तो क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? अभी आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग बताया था। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग में हम क्या देखते हैं कि भाई जो भी दो रिजल्ट है, जो दो सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हो जिनका रिजल्टेंट मोलरिटी होता है, इन दोनों का हमेशा एवरेज होता है या इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। वैसे ही तो जो वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि P0B वैल्यू कम है तो ऑब्वियस होता है जो वेपर प्रेशर होगा P0B से तो बड़ा होगा, लेकिन P0A से ये क्या होगा, छोटा होगा। P0A से क्या होगा, ये छोटा होगा। तो ये आई होप सो समझ में। तो मैं बोल सकता जो P जो होगा वो P0B और P0A के बीच की वैल्यू रहेगी हमेशा हमेशा, अगर जब तक ये सॉल्यूशन है तब तक। आई बात समझ में? ये चीज़ आपको पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब आपको याद होगा अगर मैं प्रेशर की बात करूँ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि भाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि सर कि सम ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस। तो ठीक है, तो मतलब पार्शियल प्रेशर किसका किसका, ए का भी है और बी का भी है। ठीक है, जो पी ए हो, जो पी होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा, बराबर। तो अगर मैं बात करूँ, अब पी ए क्या है मेरा, पी ए है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और पी बी क्या है मेरा, पी बी है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, और P क्या है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों का पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो वो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब वही आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी होगा। अगर मैं P0A की वैल्यू PA की बात करूँ तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने कल क्या सीखा था, इसकी वैल्यू P0A इंटू XA होता है, और PB की वैल्यू क्या होती है, P0B इंटू XB होता है। ये याद है आपको? ठीक है, तो टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा फिर, P0A इंटू XA P0B into XB। समझ में आया? दिस इज योर टोटल प्रेशर। आई बात समझ में? अब आप, मुझे पता है XA प्लस XB की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। मैं ऐसा करके चल रहा हूँ कि XA की वैल्यू मैं कर लेता हूँ 1 माइनस XB। यहाँ पे पुट करो, P बराबर क्या हो जाएगा, P0A into 1 माइनस XB प्लस P0B into XB। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P0A माइनस P0A इंटू XB प्लस P0B इंटू XB। तो ये वैल्यू जो, ये जो फॉर्मूला बनता है, P इज इक्वल टू P0A प्लस P0B माइनस P0A इंटू XB। ठीक है, ये दूसरा, ये इसी का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो या इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं जैसे AB है तो आप इसको दूसरे फॉर्मेट में क्या लिखोगे, P0B प्लस P0A माइनस P0B इंटू XA। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, XB को 1 माइनस XA करूँगा, तो आपको ये फॉर्म, तो AB या BA इस फॉर्मेट में याद रखो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब इसका ग्राफ की मैं बात करूँ तो देखो ये कैसा, Y इज इक्वल टू MX प्लस C। इसका, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, P0A माइनस P0B, और इंटरसेप्ट क्या होगा, P0B। तो आइए चलो इस ग्राफ को हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है, ये इंपॉर्टेंट भी इनके ग्राफ।
अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ कैसा रहेगा आपका? कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। वेपर प्रेशर मतलब पी वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन दो है यहाँ पे, तो ठीक है, अगर एक्स से इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो एक्स से की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? वन। तो अगर एक्स से मेरा यहाँ पे वन है तो एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? जीरो। और एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? वन। अब समझो बात को, जब एक्स ए की वैल्यू वन है तो ये वाला एक्स बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? पी नोट ए के बराबर। खुद से सोचो ना, अगर किसी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन वन है किसी का, तो मतलब वो प्योर लिक्विड है, और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर किससे डिनोट करते हैं? पी नोट ए से डिनोट करते हैं। एक्स ए की वैल्यू वन हो गया मतलब वो पी नोट ए हो गया, और एक्स बी की वैल्यू वन हो गई मतलब ये हो गया पी नोट बी। अब एक बात और, मैंने ऊपर नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ठीक है। अब इनका ग्राफ कैसा रहेगा? इनके ग्राफ इनके बीच में रहता है। अरे यार ये थोड़ा ड्रॉ नहीं होने में सर, ठीक है। ये ग्राफ कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन रहता है। तो ये याद रखना, ये जो रॉल्स लॉ होता है बेटा, ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है आइडियल सॉल्यूशन पे। मैं ये मानी आइडियल सॉल्यूशन, जैसे आइडियल गैस और रियल गैस होता है बराबर, उसी तरीके से क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा क्या रहता है? स्ट्रेट लाइन रहता है। बट रियल सॉल्यूशन का थोड़ा कर्वेचर नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? कर्वेचर नेचर का होता है, ठीक है। तो ये है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आप ऐसा अब याद करो, अगर मैं सिर्फ इसका ड्रॉ करना चाहूँ इसका, तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा जीरो से लेकर वन तक, और इसका ग्राफ कैसा रहेगा? जीरो से लेकर वन तक, ठीक है। तो ये वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, और ये भी वाई इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। आई बात समझ सबको? तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस वॉज योर केस ऑफ केस टू, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें कुछ है नहीं। तो जितने थे बेटा सब मैंने आपको पढ़ा दिया, इससे बाहर नीट में तो क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये मान के चलो, ठीक है। एक मिनट जस्ट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इनके ऊपर, ठीक है। दो चार क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जैसे सपोज करो हम ए को और बी को मिक्स करते हैं, ठीक है। मान लो ए और बी मेरा कोई लिक्विड है, इन दोनों को हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ ए के दो मोल है और बी के थ्री मोल है। ए के दो मोल और बी के थ्री मोल है, और पी नॉट ए आपको दिया हुआ है 200। पी नॉट ए आपको दिया हुआ है 200, और पी नॉट बी जो दिया हुआ आपको दिया हुआ है 500। पी नॉट बी दिया हुआ 500, आपको पूछा व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आसान है, तो पहले हम निकाल लेंगे एक्स ए, तो 2/5 हो जाएगा, और एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 2/5 प्लस 500 इंटू 3/5, तो ये 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40, मतलब ये हो जाएगा 380 mm ऑफ HG। अब देखो ये वैल्यू क्या 200 और 500 के बीच में ही आ रही है, तो ये वाला चीज़ हमारे लिए क्या हो चुका है? वैलिड हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, समझो बात को। अब यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है MCQ में, तो नीट में आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इसको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप नंबर लाइन सिस्टम देखो, 200 और 500 का एग्जैक्ट एवरेज कितना होता है? 350, ठीक है। अगर ए और बी के इक्वल मोल्स मिलाए होते थे तो वेपर प्रेशर आता था 350, लेकिन यहाँ तो इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब सिंपल सा फंडा ये है। सिंपल फंडा क्या है कि बी के ज़्यादा मोल है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू 350 और 500 के बीच में रहेगी, मतलब 350 तो ऊपर रहेगी। तो आप डायरेक्ट इस आंसर को, अगर ये ऑप्शन है तो डायरेक्ट, अगर वैल्यू बिल्कुल क्लोज है, मतलब 370 है, 380 है, 390 है, 400, तो भले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दो, अगर 150 दिया हुआ है
या 250 दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है या 450 दिया हुआ है। 450 तो होने सकता, 450 होने का मतलब है कि ऑलमोस्ट ये वैल्यू यहाँ पे, तो मतलब बी का मतलब दो, मतलब टोटल पांच मोल में से कम इसका चार मोल होने चाहिए, मतलब ये वन होना चाहिए था, ये फोर होना चाहिए, तब जाके वैल्यू इसके पास आती थी। तो ऑब्वियस बात है आप डायरेक्ट इसको देख के टिक मारते, तो थोड़ा मैथमेटिकली यहाँ पे आप सोचने की कोशिश करिएगा, अगर एग्जैक्ट एवरेज है तो 350 आएगा, अगर एवरेज नहीं है, मान लो इक्वल मोल्स नहीं है, तो ये वैल्यू ऑब्वियस बात है 500 के करीब रहेगी। 500 कितने ज़्यादा करीब रहेगी, जितने ज़्यादा बी के मोल्स रहेंगे उतने ज़्यादा करीब रहेगी। आई बात समझ आए, पहली बात। दूसरी बात और ऐसे भी देख सकते, क्योंकि मेरा क्या है पी नॉट बी इज मोर वोलेटाइल देन पी नॉट ए, तो दूसरा तरीका ये भी सोच सकते हो, क्योंकि पी नॉट बी की वैल्यू ज़्यादा है तो बी का ज़्यादा वोलेटाइल होगा, इसका मतलब जो वैल्यू होगा वो बी के ज़्यादा क्लोजर रहेगी। आई बात समझ में, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इससे मैं अगर ऐसा क्वेश्चन दूं कैलकुलेट एक्स ए वैन, कैलकुलेट एक्स ए वैन प्रेशर इज इक्वल टू 420 mm ऑफ, मान लो अगर आपको एक्स ए कैलकुलेट करना है, मैंने आपको मोल नहीं दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मोल नहीं दे रहा हूँ आपको, मैंने आपको आपको क्या दे आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्स ए और एक्स बी कैलकुलेट करना है कि एक्स और एक्स बी कितना होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैंने वेपर प्रेशर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला देखो, पी नॉट ए, पी नॉट ए आपको कितना दिया हुआ है 200 प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए मतलब 300 इंटू एक्स बी इंटू एक्स बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके एक्स बी निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका और है जो एक्स बी एक तरीके से क्या है, एक्स बी मतलब है क्या, एक्चुअली है तो ये मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को क्या मैं मोल अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ वो मोल परसेंटेज हो जाएगा। तो याद हो किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज से सब्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों का डिफरेंस ले लो ए माइनस बी का, याद है ये फॉर्मूला, यस एस टेक्निक मैंने बताया था। अगर एवरेज दिया हुआ और परसेंटेज निकालना हो तो जिसका निकालना उसके दूसरे वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो और नीचे दोनों का डिफरेंस ले लो, इससे भी आपको एक्स बी का आंसर आ जाएगा। मतलब आप 420, इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट में ये हो जाएगा 420 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 500 और 200 का डिफरेंस कितना होता है 300, आप इससे भी करोगे तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करते और इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट ए एंड बी, ए एंड बी इज 300 इज 300 एंड 500 mm ऑफ एच जी, 300 एंड 500 mm ऑफ एच जी रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, मोलर मास ऑफ ए एंड बी, मोलर मास ऑफ ए एंड बी इज 50 इज 50 एंड 200 इज 200 फुल स्टॉप, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय Obtained by mixing
पहला इक्वल मास ऑफ एंड बी सेकेंड इक्वल मोल्स ऑफ आपको ये निकालने बोला है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला है। वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट ए एंड बी, देखो ठीक है, पी नॉट ए आपको दिया हुआ उसने कितना, पी नॉट ए दिया हुआ उसने 300 और पी नॉट बी जो दिया हुआ उसने दिया हुआ 500। मोलर मास एम ए दिया हुआ उसने 50 और एम बी दिया हुआ है 200। तो बोल क्या रहा है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन निकालो, अगर मैंने ए और बी का इक्वल मास मिक्स किया तब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना होगा, या मैंने इक्वल मोल्स मिक्स किया तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना होगा। तो ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। अगर इक्वल मास वाला करेंगे तो मैं ऐसे मानकर एन ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाय 50 और एन बी बराबर कितना हो जाएगा, W बाय 200। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ, 4W बाय 200, मैंने दोनों तरफ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4W बाय 200 डिवाइडेड बाय 4W बाय 200 प्लस W बाय 200। तो W बाय 200 कैंसिल, तो 4/5 आ जाएगा, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा मेरा, वेपर प्रेशर हो जाएगा 300 × 4/5 प्लस 500 × 1/5। तो ये कितना हो जाएगा, 60, ये कितना हो जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 340 mmHg हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेकंड केस की बात करूं बेटा, सेकंड केस क्या हो जाएगा, इक्वल मोल्स, तो इक्वल मोल्स मतलब एन ए के भी मान लेता हूं 1 और एन बी के भी मान लेता हूं 1, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बी की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 300 × 1/2 प्लस 500 × 1/2, दैट्स नथिंग बट 150 इज इक्वल टू एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, 400। तो इस तरीके से देख सकते हो आप कितना आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल कॉम्पोनेंट of two volatile component A and B, B is given by P is equal to 5.3 − 2.3 xB। ठीक है, ये इक्वेशन दिया वेपर प्रेशर का दो वोलाटाइल कॉम्पोनेंट का, जिसमें बोला xB is मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कैलकुलेट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, हड़बड़ाना नहीं है, चीज़ें समझनी है उसके हिसाब से करना। तो आई होप सो आप इसको अटेंड करो, बस एक मिनट में मैं पानी पी लेता हूँ जस्ट। तो आई होप सो आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो मेरा एक फॉर्मूला होता है वेपर प्रेशर का, ठीक है, ए बी वाला याद है, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। मैंने यही वाला फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि ये इक्वेशन को रिसम्बल करता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से दोनों के इक्वेशन को वेरीफाई करोगे तो पी नॉट ए तो आपका कितना आ जाएगा, 5.3 आ जाएगा, और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, −2.3। प्लस 2.3 मत करना, हड़बड़ी में हो सकता है आपसे गड़बड़ी हो जाए, पर ध्यान रखिएगा। तो पी नॉट बी मेरा 5.3 है, माइनस पी नॉट इज इक्वल टू −2.3, तो यहाँ से पी नॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। देखो कितना टाइम लगा, और इसमें हो सकता है प्लस माइनस वाले में मेरा गलती भी हो जाए, बराबर। इस क्वेश्चन को एक मिनट में करने का ऐसा टेक्निक देखो, अगर मैं बोलूँ एक्स बी की वैल्यू 1 होगी अगर, तो क्या मेरा P बराबर P नॉट A नहीं हो जाएगा,
अगर एस बी की वैल्यू 1 होती है तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसके सॉरी वो किसके वजह से होगा, पी नॉट बी की वजह से होगा। तो पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना हो जाएगा 3। और अगर एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करता हूँ मैं तो पी बराबर जो भी होगा वो पी नॉट ए होगा, मतलब ये एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 5.3। दो मतलब सेकेंड्स में हो गया ये क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन दिया पी इज इक्वल टू 26 माइनस 14 एक्स ए, पी इज इक्वल टू 26 माइनस 14 एक्स ए, तो अगेन आपको क्या निकालना, पी नॉट ए निकालना है और पी नॉट बी निकालना आपको। तो इस केस में क्या करोगे, एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करो, एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करो तो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 माइनस 14, तो ये पी नॉट ए ही होगा एक्स ए की वैल्यू 1 होने पर, तो 26 माइनस 14 कितना हो जाएगा 6 और 6 12। और एक्स बी की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो पी नॉट बी आपको कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। है आसान, कर सकते हैं हम इजीली, बराबर। इस टाइप के क्वेश्चन हमें परेशान नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है चलो एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर सेशन हम खत्म करते हैं आज का। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो बात को, कि मान लो एक कंटेनर में मैंने ए और बी लिक्विड है, ठीक है ए और बी का लिक्विड है, इन दोनों का मैंने क्या किया मिक्स किया। ठीक है मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ ए का 1 मोल ले रहा हूँ बी का 3 मोल लेने पर, टेम्परेचर 300 केल्विन रखने पर, ठीक है वेपर प्रेशर मुझे मिलता है 550 mmHg, कितना मिल रहा है 550 mmHg। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया 1 मोल ऑफ बी फर्दर एडेड, मतलब 1 मोल बी एड करने पे मुझे टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मिल रहा है 560 mmHg मिल रहा है। तो आपको बोलना है कैलकुलेट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, आपको क्या बोला है कैलकुलेट करने, बोला देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हड़बड़ाना नहीं है हमें। ठीक है मुझे पी नॉट ए पी नॉट बी नहीं दिया, कोई बात नहीं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल खत्म बात। जब मैंने बोला इस केस में तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली जब भी ऐड नहीं किया गया तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4 और एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, तो वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ 550 दिया हुआ, पी नॉट ए इंटू 1/4 प्लस पी नॉट बी इंटू 3/4। तो जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इंटू 4 तो 0.24 को 0 हासिल होगी तो 2200। तो ये पहला इक्वेशन बनेगा। सेकेंड इक्वेशन आफ्टर एडिशन, तो आफ्टर एडिशन अब एक्स ए की वैल्यू, अब टोटल मोल्स ऑफ एन ए अभी भी कितने 1, लेकिन एन भी कितना हो गया 1 मोल ऐड करने के बाद 4, लेकिन तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगी और एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। तो और उसने वेपर प्रेशर मुझे दिया हुआ 560, तो 560 पुट करिए P नॉट ए 1/5 पी नॉट बी इंटू 4/5, तो मतलब कितना हो जाएगा पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2800। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या मैं पी नॉट बी की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है तो इस हिसाब से आप प्लीज इसको कैलकुलेट करिएगा। ठीक है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है अच्छा अब अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो आप इसमें डायरेक्ट देखो, इसमें फिर से आप टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है टेक्निक क्या है, या अगर मेरा ऑप्शन इस तरीके से रहता, किस तरीके से ऑप्शन ये दिया हुआ 200 और 300 400 350 450 450 या ऑप्शन डी दिया हुआ 350 और 250, अगर मान लो कुछ इस तरीके का ऑप्शन रहता था तो इसमें आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसमें आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना था क्या। अब आप ये देखो बी के 1 मोल ऐड करने पे वेपर प्रेशर 10 mm से बढ़ चुका है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ पी नॉट बी बड़ा होगा पी नॉट ए से,
मतलब बी विल बी मोर वोलेटाइल, तभी तो उसको डालने पर मेरा वेपर प्रेशर ट्रिमेंडसली 10 mm से बढ़ गया। इसका मतलब ऑप्शन सिर्फ आपका क्या मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरीके से है तो, लेकिन अगर उल्टा पुल्टा है, मान लो दो ऑप्शन इस तरीके से, तब आपको फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा, तब इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर सेशन का डी एंड करते हैं आज हम। एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड A, molar mass है 128, 64% by weight, has vapor pressure, has vapor pressure 145 mm of Hg. If vapor pressure of water, is 155 mm of Hg, then calculate vapor pressure of A at same temperature. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, कोई एक्वा सॉल्यूशन है जो लिक्विड A कंटेन कर रहा है, जिसका मोलर मास इतना दिया, परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है, और उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 145 दिया हुआ है। अगर वेपर प्रेशर प्योर वाटर 155 है, तो पी नॉट ए की वैल्यू पूछे, बहुत आसान सा, मुझे पता है 64% बाय वेट का मतलब ये होगा कि 64 ग्राम तो क्या होगा ए, और 36 ग्राम क्या होगा वाटर। तो अगर मैं Na की बात करूँ तो Na कितना हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 128 उसका मोलर मास दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और N वाटर कितना हो जाएगा 36 बाय 18, तो दैट इज नथिंग बट 2। तो XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 बाय 2.5, तो दैट्स नथिंग बट 1/5, और XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। तो मुझे पता टोटल मेरा फॉर्मूला तो अभी भी यही लगा है, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन उसने कितना दिया हुआ, 145 दिया हुआ है, पी नॉट ए मुझे क्या करना निकालना है, और एक्स ए की वैल्यू कितना है 1/5, प्लस पी नॉट बी कितना दिया हुआ है 155 इंटू 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 3/1। तो 145 इज इक्वल टू पी नॉट ए बाय 5 प्लस 124, ठीक है, तो पी नॉट ए बाय 5 बराबर कितना हो जाएगा 145 माइनस 124, तो 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 1, तो पी नॉट ए बाय 5, तो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 10 105। आई होप सो आज आप तक आपको सबको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, यहाँ से हमारा रॉल्स लॉ कंप्लीट हो जाता है। कल कुछ एक स्पेशल केसेस होगा रॉल्स लॉ को जो हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा देर का चैप्टर है नहीं है, और मुझे लगता है 5-6 लेक्चर और शायद टॉपिक होगा ये, और उसके बाद ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।